प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 4 सब्जेक्ट EVS का हमने चैप्टर पढ़ा था, ए बिजी मंथ। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो पेज नंबर 67 पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक इट्स नेस्ट इन ए ट्री ट्रंक लाइक द बार्बर डज। बोलते क्या आप किसी और किस्म के परिंदे को जानते हो जो कि अपना घोंसला एक पेड़ के तने में बनाता है, जैसे कि जो बार्बट बर्ड है। जैसे बार्बट बर्ड अपना जो घोंसला है वो पेड़ के तने में बनाता है, आप किसी और बर्ड को जानते हो जो कि अपना घोंसला पेड़ के तने में बनाता है? तो इसका आंसर आएगा यस, वुड पैकर इज अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन ए ट्री ट्रंक लाइक द बार्बट डज। बोलते बच्चों, जो वुड पैकर भी बर्ड एक किस्म का बर्ड है, बर्ड का नाम है, जो कि अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ के तने में बनाता है। सवाल है, अगला सवाल है, इफ देयर इज ए नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक केयरफुली एट इट, रिमेंबर डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट एंड डू नॉट टच इट, इफ यू डू देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट नेक्स्ट अगेन, ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। बोलते हैं कि अगर आपके घर के आसपास या घर के अंदर कहीं पे किसी चिड़िया का घोंसला है, उसको ध्यान से देखो, लेकिन ये याद रखो कि उसके पास मत जाना, ना उसको कभी टच करना, ना उसको कभी छूना। अगर आपने ऐसा किया तो जो उसमें बर्ड्स जिन जिनका वो घोंसला है, जिन बर्ड्स का, वो बर्ड्स उधर कभी नहीं आएंगे। और कुछ दिन तक उस घोंसले को महसूस करो या कुछ दिन तक उस घोंसले को देखो, और जो नीचे दी गई चीज़ें हैं उनको बारे में बताओ। तो पहला है कि वेयर इज़ द नेस्ट मेड, जो वो घोंसला है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो क्या आंसर आएगा बच्चों, द नेस्ट इज़ मेड ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। जो नेस्ट कहाँ पे बना है? पेड़ की एक शाखा पे बना, पेड़ की एक टहनी पे बना है। दूसरा है, व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, जो वो घोंसला है वो किसका बना हुआ है? द नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राइड लीव्स एंड स्ट्रॉ, जो घोंसला वो सूखे पत्तों का बना है, और जो लकड़ी का भूसा निकलता है उसका बना हुआ है। सी पार्ट है, इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड स्टिल मेकिंग इट। बोलते जो नेस्ट है, जो घोंसला है, वो बन के तैयार हो चुका है या उसको परिंदे अभी भी बना रहे हैं? तो इसके क्या आंसर आएगा बच्चों, द नेस्ट इज रेडी, घोंसला क्या है? तैयार है। डी है, कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज मेड द नेस्ट, क्या आप उस बर्ड को जानते हो या उस बर्ड को पहचानते हो? रिकॉग्नाइज्ड होता बच्चों पहचानना, क्या उस बर्ड को पहचानते हो, उस परिंदे को पहचानते हो जिसने वो घोंसला बनाया है? इसका आंसर आएगा यस, क्रो हैज मेड द नेस्ट। हाँ, वो किसने बनाया बच्चों? कौवे ने। अगला पार्ट है, व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट। बोलते हैं कि वो जो परिंदा है वो उस घोंसले के साथ के पास कौन कौन सी चीज़ें लाता है? द बर्ड ब्रिंग्स वॉर्म स्ट्रॉ ट्विग्स एटसेट्रा टू द नेस्ट। क्या क्या लाता है बच्चों? वॉर्म्स होते हैं कीड़े, स्ट्रॉ हो गया भूसा, लकड़ी का भूसा, ट्विग्स हो गया जो लकड़ी की नरम नरम टहनियाँ हैं, वगैरह वगैरह, एटसेट्रा टू द नेस्ट, वगैरह वगैरह चीज़ें वो घोंसले के पास लाता है। अगला है, इज देयर एनी बर्ड स्टिंग इन दैट नेस्ट। बोलते उस जो घोंसला है उसमें कोई बर्ड बैठता है कि नहीं? आंसर आएगा यस, वन क्रो इज स्टिंग इन द नेस्ट। हाँ, एक कौवा उस घोंसले में बैठता है। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके हम आगे को क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बच्चों।